आईपीएल की नीलामी कल से ही और 28 जनवरी तक रहेगी, अर्थात यह दो तय करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में खेलेगा। बता दें कि यह नीलामी बेंगलुरु में आयोजित होगी और इसमें 578 खिलाड़ियों को रखा गया है और ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी ही है, लेकिन इसमें कई ऐसे विदेशी ऑलराउंडर भी है जिन्होंने अपने करियर में खूब प्रभावित किया है और अब आईपीएल 11 में भी सामने वाली टीम के लिए खतरनाक साबित होंगे। तो ये है वो विदेशी ऑलराउंडर। एक बेन स्टोक्स, बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि आईपीएल 11 की नीलामी में इस बार कई टीमों के मालिकों की सबसे ज्यादा निगाहें बेन स्टोक्स के ऊपर टिकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि आईपीएल की नीलामी में बेन स्टोक्स की बेस प्राइस इस बार 2 करोड़ है। ये एक खतरनाक ऑलराउंडर है और इन्हें हर टीम अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। स्टोक्स ने पिछले साल पुणे के लिए आईपीएल खेला था। तो विन ब्रावो, बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए। यह तो सभी को पता है कि वेस्ट इंडीज के विन ब्रावो कितने खतरनाक खिलाड़ी है। जी हाँ, ट्विन ब्रावो T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी है और अब तक ये 400 सेकंड भी ज्यादा T20 मैच खेल चुके हैं। इस बार इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ है और हर किसी की नजरें इन पर टिकी रहेगी। 3. शाकिब अल हसन, बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक है और पिछले कई सालों से ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते देखे गए हैं और इस बार इस घातक ऑलराउंडर पर लगभग सभी की निगाहें टिकी हुई है। शाकिब अल हसन की बेस प्राइस इस बार 1 करोड़ है।